लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। जमीनी बंटवारे के विवाद में कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की धारदार हथियार से हमला कर की निर्मम हत्या। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला गांधी नगर में कलयुगी बेटे ने अपने करीब 85 वर्षीय बाप की धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर डुंडी रही। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक कलयुगी बड़े बेटे ने जमीन के बंटवारे को लेकर अपने पिता से नाराज था, जिसके बाद कलयुगी बड़े बेटे शिव बालक ने अपने बेटों के साथ मिलकर के आज अपने ही 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता महादेव वर्मा की धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हथियारों के विरुद्ध मामला दर्ज करके जाँच पड़ताल में जुटी। हत्या के बाद से मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ रिपोर्टर बसंत कुमार मांझी। आज दिनांक 20 अक्टूबर को सुबह लगभग 6 बजे थाना लखीमपुर क्षेत्र अंतर्गत गांधीनगर मोहल्ले में रहने वाले 85 वर्षीय श्री महादेव वर्मा की उनके सगे बेटे शिवबालक ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर धारदार हथियार से उनके सिर पर वार करके हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया। डेड बॉडी को पंचनामाई कार्रवाई पूरी करके पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। थाना कोतवाली सदर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक की गई विवेचना में हत्या का मोटिव पैतृक संपत्ति के बंटवारे के ऊपर पिता पुत्र के बीच में विवाद का होना प्रकाश में आया है। आज के समाचार में इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS Live News।